हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 26 दिसंबर 2019। आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक हमारे पर डे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, करंट न्यूज़ और स्टैटिक जीके रहेंगे और स्पेशल नॉलेज रही, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। कीप गोइंग, एवरीथिंग यू नीड विल कम टू यू एट द परफेक्ट टाइम। बढ़ते चलो, आप जो भी चाहते हैं वह सही टाइम पर आपको मिल जाएगा। अब हिंदी में भी इसको हमने लिख दिया है, बढ़ते चलो, आपकी ज़रूरत की हर चीज़ सही समय पर आपके पास आ जाएगी। तो इस बात को कहने का मतलब ये है कि आपको बढ़ते जाना है, निरंतर प्रयास करते जाना है, फिर आप देखेंगे कि आप जिस तरह आप अपनी कंसिस्टेंसी से प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो सही समय आने पर आपके पास आ जाएंगे और आपकी जो इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। तो आपको रुकना नहीं है, निरंतर एक ही रफ्तार में चलते रहना है, प्रयास करते रहना है। तो देखेंगे आप धीरे धीरे आप अपनी जो आपकी मंजिल है उसे प्राप्त कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो अब देख लेते हैं वन लाइनर न्यूज़। तो महत्वपूर्ण दिन से जो दिन रहेगा वो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, मतलब कि नेशनल कंज्यूमर डे 2019, जो कि 24 दिसंबर को मनाया गया। उसकी विषय क्या रहा है, तो उसकी थीम क्या रही है, अल्टरनेट कंज्यूमर ग्रीवेंस डिस्प्यूट रिड्रेसल। अल्टरनेट कंज्यूमर ग्रीवेंस डिस्प्यूट रिड्रेसल क्या थीम रही है, अल्टरनेट कंज्यूमर ग्रीवेंस डिस्प्यूट रिड्रेसल। अब क्वेश्चन रहेगा आपका अर्थव्यवस्था से, किस उपक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार का मत्स्य विभाग, नाबार्ड और तमिलनाडु सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो वो मत्स्य पालन एवं जलचर विकास कोष पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 दिसंबर को किस बैंक ने अचल संपत्तियों की ई नीलामी के लिए मैजिक ब्रिक्स कंपनी के साथ भागीदारी की है, तो वो की है फेडरल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल स्थित ESAF लघु वित्त बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बने हैं PR रवि मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगी वो नेशनल न्यूज़ रहेगी, WHEL मतलब व्हेल ने कहाँ नेवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले लिग्नाइट आधारित 500 मेगावाट क्षमता के थर्मल यूनिट को कार्यान्वित किया है, तो वो कुड्डालोर जिला तमिलनाडु। कहाँ कार्यान्वित किया है, कुड्डालोर जिला तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किए गए शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है 43 मतलब कि 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र CISF बल के एक दल ने भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े संग्रहालय की सुरक्षा हाथ में ली है, जिसका नाम क्या है, भारतीय संग्रहालय, जो कहाँ अवस्थित है, कोलकाता में। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, भारतीय संग्रहालय कहाँ अवस्थित है, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ऑक्सीजन पार्लर कहाँ खोला गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, देश का पहला ऑक्सीजन पार्लर कहाँ खोला गया है, तो नासिक रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल ने 6000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अटल भूजल योजना को स्वीकृति दी, जो कि किन राज्यों के चिन्हित क्षेत्रों में 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा, तो वो राज्य हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 24 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के संविधान में दसवें अतिरिक्त शिष्टाचार के अनुसमर्थन को स्वीकृति दी, तो किसने दी स्वीकृति, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो व्यक्ति विशेष से है, भारतीय वंश की वे महिला कौन है जिन्हें अमेरिकी सरकार के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन में पहली बार बनाया गया महिला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर मनीषा घोष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, SOCHM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं निरंजन हीरानंदानी ग्रुप के को चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी सर्वत्र बुलेट प्रूफ जैकेट के विकास के लिए आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता
कौन बने हैं, तो विजेता कौन बने हैं, मेजर अनूप मिश्रा। तो इस बारे में हमने डिटेल न्यूज़ भी फॉर्म की हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल से, भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल वरिष्ठ और कनिष्ठ प्रतिस्पर्धाओं में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, तो वो बनी है मनु भाकर। अब बात करेंगे राज्य विशेष की, जल संरक्षण और वनीकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान, जो भी क्वेश्चन फॉर्म हुए उससे सामान्य ज्ञान बनाते हैं हम, तो वो देख लेते हैं। खुफिया विभाग मतलब कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, 1947 में 17 अगस्त को। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना हुई 1920 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई 1874 9 अक्टूबर को और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड में है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में 12 जुलाई को हुई थी और मुख्यालय मुंबई में। इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है हर्ष कुमार भनवाला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1969 में और स्थापना जो हुई वो हुई थी 10 मार्च को। अब बात करेंगे करंट न्यूज़ और स्टैटिक जीके की, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको हमारे फेसबुक इंस्टा टिकटॉक हेलो अकाउंट को फॉलो कर लेना है, वहाँ पर भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रूटफुल है। आप खुद देख रहे होंगे, जो भी पर डे देखते हैं उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो आपको नोट्स भी अरेंज करते जाना है साथ साथ, और स्वस्थ रहना है, सर्दी बहुत हो रही है, स्वास्थ्य का भी बचाव रखना है सभी को, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे तो आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो न्यूज़ है तो उसको भी देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस बनाने की मंजूरी दे दी है, तो ये एक पोस्ट है जो अब बनेगी। तो अब देखते हैं इसकी डिटेल क्या है। सरकार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित करेगी, जिसके पास सचिव स्तर के अधिकारी की शक्तियां भी होंगी। एक 4-स्टार जनरल होगा और सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख भी होगा। तो आपने देखा होगा अभी तक 3-स्टार अधिकारी देखे होंगे, तो ये जो बनेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन पर 4-स्टार जनरल बनेंगे ये, और इसके इनके पास सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख पार्ट भी होगा। अब 1999 के कारगिल संघर्ष के बाद पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की सिफारिश की गई थी। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि कारगिल संघर्ष कब हुआ था, 1999 में। तो 1999 में कारगिल संघर्ष हुआ, पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की सिफारिश कब की गई थी, चीफ ऑफ डिफेंस पद की सिफारिश की गई थी 1999 में। अब 2017 में खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों ने कहा था कि CDS की अनुपस्थिति भारत की युद्ध क्षमताओं में बाधा बन रही थी। एक CDS भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना के कामकाज को बेहतर तरीके से एकीकृत करेगा। CDS के नेतृत्व में सैन्य मामलों के विभाग द्वारा निपटाए जाने वाले क्षेत्र संघ के सभी सशस्त्र बलों, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय, प्रादेशिक सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित कार्य तथा प्रचलित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पूंजी अधिग्रहण को छोड़कर सेवाओं की विशेष खरीद से संबंधित मामले हैं। अब बात हो रही है प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 74 में व्याख्यान है, तो ये भी आपको याद रख लेना। प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि प्रधानमंत्री संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो एक क्वेश्चन बन जाता है संघ कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। चूँकि भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन व्यवस्था, तो एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन गया कि जो भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली ली गई है वो कहाँ से ली गई, तो वो ब्रिटेन से ली गई है। इसलिए प्रधानमंत्री पद का महत्व और अधिक हो गया है। अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, वह राष्ट्रपति के कृत्यों का संचालन करता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ में DNA विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन हुआ। चंडीगढ़ क्या है, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल। इसे ब्यूटीफुल सिटी के नाम से भी जानते हैं, इसे ग्रीन सिटी के नाम से भी जानते हैं, तो आपको ये भी याद रख लेना है। चंडीगढ़ में केंद्रीय फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला में गृह राज्य मंत्री
नित्यानंद राय द्वारा एक डीएनए विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये तो सभी जानते हैं, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर गुजरात। अब बात हो रही है गृह राज्य मंत्री की, वो कौन है, नित्यानंद राय, तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, डीएनए विश्लेषण के बारे में बताएंगे। आपने जब डीएनए विश्लेषण देखा होगा तो सोचा होगा डीएनए विश्लेषण क्या होता है, तो डीएनए विश्लेषण क्या है, केंद्र की स्थापना निर्भया फंड योजना के तहत की गई, इसके लिए 99.76 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्र यौन उत्पीड़न और गृह कार्य इकाई, पितृत्व इकाई, मानव पहचान इकाई, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इकाई के लिए सेवाएं प्रदान करेगा। उन्नत फॉरेंसिक डीएनए विश्लेषण सुविधा में प्रतिवर्ष 2000 मामलों की जांच करने की क्षमता है। आपराधिक जांच पूरी करने के साथ साथ बेहतर दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के लिए, समयबद्धता दक्षता सुनिश्चित करने के लिए डीएनए विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है। फॉरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग एक बहुत ही संवेदनशील और प्रतिलिपि प्रस्तुत करने वाली तकनीक है, जो आधुनिक अपराध जाँच में मूल्यवान उपकरणों में से है, उपकरणों में से एक बन गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेजर अनूप मिश्रा को सर्वत्र कवच के लिए सेना डिज़ाइन ब्यूरो उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सेना डिज़ाइन ब्यूरो उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो मेजर अनूप मिश्रा को। अब क्यों किया गया है, अनूप मिश्रा को 23 दिसंबर 2019 को सर्वत्र बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करने के लिए सेना प्रमुख सेना डिज़ाइन ब्यूरो उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो हैं, श्री मिश्रा द्वारा बनाई गई जैकेट स्नाइपर राइफल की गोलियों से सुरक्षा प्रदान कर सकती है, सीमा रेखा और कश्मीर घाटी में लगातार स्नाइपर घाटियों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। वृद्धि के बाद ये परियोजना प्रारंभ की गई थी, जो कश्मीर घाटी में लगातार स्नाइपर घटनाओं की संख्या में वृद्धि के बाद ये परियोजना को प्रारंभ किया गया था। अक्टूबर की शुरुआत में भारतीय सेना को कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए अपने सैनिकों के लिए 40,000 स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेटों की आपूर्ति की गई थी। ये जैकेट AK-47 राइफल से दागे गए एक कट्टर इस्पात गोला बारूद का सामना कर सकती है। सशस्त्र बलों ने अगस्त महीने के दौरान आयुध निर्माणी बोर्ड के साथ 200,000 भावा कवच बुलेट प्रूफ के लिए अनुरोध किया था। अब भावा कवच बुलेट प्रूफ भारतीय सेना द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो ये भी आपको याद रख लेना है, सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट कौन सी है, भावा कवच। अब इस जैकेट को भावा कवच नाम क्यों दिया गया, तो ये भी ये देख लीजिए, नैनो आधारित तकनीक, तो इसलिए दिया गया कि भावा जो नैनो आधारित तकनीक को जो लिया गया है वो भावा अनुसंधान परमाणु केंद्र से लिया गया है, भावा परमाणु अनुसंधान केंद्र से लिया गया है। तो ये थी हमारी नेक्स्ट न्यूज, अब देखते हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला नए विदेश सचिव होंगे। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो होंगे नए विदेश सचिव होंगे, अभी तक थे विजय केशव गोखले, इनका स्थान ये लेंगे। अमेरिका में भारतीय राजदूत और विदेश सबसे वरिष्ठ राजनयिकों में से हर्षवर्धन श्रृंगला नए विदेश सचिव बनेंगे और ये विजय केशव गोखले जी का स्थान लेंगे। अब स्पेशल नॉलेज की बात करेंगे सुशासन दिवस की, क्योंकि कल था सुशासन दिवस और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों की जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय उद्देश्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि जो होती है वो 23 दिसंबर होती है, सॉरी जन्मतिथि है वो 25 दिसंबर होती है, हमने 23 दिसंबर बोल दिया मे भी, तो आप उसको कन्फर्म कर लीजिए। 25 दिसंबर को जयंती दिवस होता है, इसीलिए इस दिवस को सुशासन दिवस मनाते हैं। आवृत्ति बार से मतलब जो मनाया गया पहली बार तो 2014 में मनाया गया, इस सिद्धांत को ध्यान रखते हुए मनाया गया था कि भारत सरकार ने सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस के रूप में घोषित किया, जिसे अंग्रेजी में गुड गवर्नेंस डे भी कहते हैं। तो आपका जो प्रश्न होगा वो गुड गवर्नेंस डे के नाम से भी आ सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। 1977 में आम चुनाव में
जनता पार्टी की जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी को मोरारजी देसाई जी की मंत्रिमंडल में विदेशी मंत्री का पद मिल गया था। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये भी आपके लिए स्टैटिक का क्वेश्चन हो जाता है, हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण अडवाणी और भैरव सिंह शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में भूमिका निभाई। तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वे पहली बार 1996 में बने, हालांकि उनका कार्यकाल 13 दिन का ही था। दूसरी बार वे 1998 से 1999 के बीच 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। 1999 से 2004 के बीच तीसरी बार वे प्रधानमंत्री बने थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके अलावा वे मोरारजी देसाई की कैबिनेट में विदेश मंत्री भी रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी का लगभग 4 दशक तक भारतीय संसद के सदस्य थे। वे 10 बार लोकसभा के सदस्य और 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 2009 में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। अब रोहतांग सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया गया है 24 दिसंबर 2019 को। तो ये बहुत ही करंट न्यूज़ है और एकदम नई न्यूज़ है, तो ये भी आपको याद रख लेनी है। केंद्रीय कैबिनेट ने रोहतांग सुरंग का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मंजूरी दे दी। यह नाम 25 दिसंबर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर से लागू हो जाएगी। तो मतलब कि कल से ये लागू हो गई है। अब रोहतांग सुरंग के बारे में बात करेंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 3 जून 2000 को रोहतांग सुरंग के निर्माण का निर्णय लिया गया था। यह सुरंग रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस सुरंग की कुल लंबाई 8.8 किलोमीटर है। यह सुरंग लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह इतनी ऊंचाई पर निर्मित है सभी लंबी सुरंगों में से एक है। गौरवतल है कि इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर की कमी आ जाएगी। यह सुरंग रणनीतिक दृष्टि से तो बेहद महत्वपूर्ण है, परंतु स्थानीय लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ये एम्प्लॉयमेंट लिख गया है, तो यहाँ लिखेंगे इम्पॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चंस एंड आंसर। अब सौरमंडल से क्वेश्चन लिए हैं हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो वो है कॉपरनिकस। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल के ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? पहले 9 थी, 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया, बौना ग्रह, ड्वार्फ ग्रह उसको कह दिया गया है, तो 8 रह गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो वो केपलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? जुपिटर, मतलब कि बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला कौन था? तो वो था एराटोस्थनीज। और पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो शुक्र और मंगल पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। तो ये था हमारा करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए PDF प्राप्त करने के लिए। हमारे हेलो टिकटॉक और इंस्टा और जो फेसबुक पेज है उस पर हमें फॉलो कीजिए, आपको उससे भी बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।